ये बुरे हिंदुत्व का अपमान कर रही है भाजपा। बिना आपको भाजपा की तारीफ करे हुए आपका माइक नहीं चल पाता है। शाहरुख खान की जिस मूवी पे बवाल काटा जा रहा है, इसको परमिशन देने वाला वो सेंसर बोर्ड है किसका? भाई रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब कहा तकलीफ बेशर्मों को, ये बेशर्म दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है। ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, उसके बाद और लो और लो और लो ड्रग्स। अडानी के बोर्ड में मुद्दा क्या? मुद्दा ये नहीं है, हो गया गुड़बड़ाहट शुरू, मतलब बोलने नहीं देना आप। हमारे कहने का मतलब ये है, पिक्चर के परमिशन सेंसर बोर्ड देती है, सेंसर बोर्ड ही कोई मेरे चाचा की तो है नहीं, हाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बंद कर दिया करे। वो भी थे परेश रावल, जिन्होंने हमारे महाकाल काला पत्थर बोला बेशरम ने, और सांसद बन के बैठा है भाजपा में। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफसियो, ये तो गोबर कुछ मन प्रास मन दिखाते हैं। आज बार बार शिव का भी तो अपमान हो रहा है, और पूरे दुनिया बुरे हिंदुत्व का अपमान कर रही है भाजपा। जब हमारी देवी भवानी लोग 1.5 किलोमीटर गुजरात में लकड़ी चुनके लाएंगी, इतने 61 रेप गैंग रेप हो जाएंगे, 3000 से ज्यादा रेप हो जाएंगे, अहमदाबाद अव्वल हो जाएगा, और बेशर्मो कहेंगे मैं वोट दूं, मुझे बोर दो। अरे बेशर्मो, तुमको जूते पढ़ने चाहिए। आपको अगर बीजेपी का पत्रकार कहा जाए, राष्ट्रव्यापी कहा जाए, जो महंगाई के नाम पे, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। जहां भ्रष्टाचार के बारे में आ जाएगी, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। अंकिता भंडारी, ये इन भाई से मिलिए, ये हाथरस दोहराया गया दोबारा, इनको ही पर ही मुकदमा किया गया, इनके ऊपर इन्हीं की बेटी बहन को मारा गया, रक्षाबंधन वाले दिन फांसी लगा दी गई, और मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर हुआ बेशर्मो। उत्तर प्रदेश की घटना है, कहाँ गए योगी आदित्यनाथ, बताइए आप, बताइए इनको, जवाब दीजिए। सर मेरी बहन को मार करके एक समुदाय ने, और अपने घर में ही मार करके लटका दिया, और आज चार महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और आरोपियों को हमारे सामने भेजा जाता है, हम पीड़ित हैं, और पीड़ित को आरोपी बनाया जाता है। हमारे परिवार के 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। हम ब्राह्मण समाज से हैं, और जिन्होंने मारा है वो जोगी समाज से। शेम शेम शेम, भाजपा का दम भरने वाली भाई ब्राह्मणों पे दुख। और दूसरा मुद्दा सुनिए, जब हमने इनके आगे एचओ से बात की, SP से बात की, तो उन्होंने कहा हम देख लेंगे। अरे बेशर्मो, बुलंदशहर पहुंचने दो, तुम्हारी वर्दी हम देखेंगे। अगर बाबा जी, अगर सच में बाबा जी हैं, तो तुमको बर्खास्त करे, या तो हम साफ करेंगे भाई कि सांसद विधायक की साठगांठ से इनकी बहन का मामला नहीं सामने आ पा रहा। 23 लड़कियों का मामला है, 30 लड़कियों का, बुलंदशहर का मामला है। बाल कम होने से कान में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सोचिए पहले, इनके घर कहा कि इनकी बहन को खुद, इनके पास वीडियो FIR की कॉपी, और नाबालिग बच्चे का नकली सगे फिगर बनाया गया। 11th में SR नंबर कुछ और था, और इंटर में कुछ और हो जाता है। इस तरह की धांधली कराकर मोटा पैसा पीड़ित बता दे रहा, तो क्या दिक्कत है? आप बताइए, आप करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज बता दे, अभी भाजपा के नेताओं ने पटाओ, लक्ष्मी पटाओ, सरस्वती पटाओ, दुर्गा पटाओ की बातें की थी। देखिए हमारे कहने का मतलब है, 2024 में अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो घंटी पे चुनाव लड़ेंगे। ओम जय जगदीश हरे, मोदी जी हार ना पड़े, तो यही मंदिर है उनके पास, तो कुछ नहीं है उनके पास। बिना आपको भाजपा की तारीफ करे हुए आपका माइक नहीं चल पाता है। हमारे कहने का मतलब ये है, एक साधु जो है ढिंचक ढिंचक करते हुए नजर आया है, रामदेव जी कई बार डिस्को करते हुए नजर आए हैं, तब वो नहीं था। और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? भाई जब देश में जो भी लोग जुड़ रहे हैं भाई जुड़ो यात्रा में, वो टुकड़े टुकड़े, एक बार सुन लीजिएगा, किसी को किसी भी धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुसलमान बायकॉट, दलित बायकॉट, आज ब्राह्मण पीड़ित है, ये भी तो भगवा पहनते हैं, भगवा का सम्मान करते हैं, इनकी बहन को मार दिया गया, क्यों नहीं मुस्लिम है भाई? भाई जब 80% हिंदू, हर जगह हिंदू बैठने के बाद भी हिंदू खतरे में, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाओ, 14% मुसलमान खतरे में आ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री, ये जोड़ी, ये है हिंदुस्तान देश के, इस देश का संविधान जो है ना जाति और धर्म को देखकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद नहीं देता। अरे मेरी बात, नोटन की पट्टी में, रुक जाओ, नोटन की पट्टी में चलती है बोटन की रेस, प्रधानमंत्री बन लीजिए, सुनिए।
नोटन की पट्टी में चलती है वोटन की रेल, बीए पास दिखा चपरासी तड़ी पर चौथी फेल, और चौकीदार चौथी फेल, ये हालात है। हमें ना बताओ गुण चाहिए, गुण चाहिए, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। दिव्य बार गुजरात पे हुआ है जब वहाँ पे प्राचीन मंदिर और गांव तोड़कर वो एलटीटी कंपनी को दिया गया है। भाजपा हर बार धर्म का मुद्दा, और बोलिए प्रमोशन करने आए आप क्या, उसका बाइकआउट करने आए उसी प्रमोशन करेंगे तो प्रमोशन तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड किसका है, सेंसर बोर्ड किसका है, सुनिए पहले, सुनिए केस से पहले मेरी बात, अरे पहले बात सुनिए, सेंसर बोर्ड किसका है, जिस मूवी को भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का आईटी सेल बाइकआउट में लग जाता है के बाइकआउट पर, ये वो बाइकआउट करने वाली एक जमात जो है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से और इस सरकार से सवाल करे कि ये पिक्चर, ये मूवी शाहरुख खान की जिस मूवी पे बवाल काटा जा रहा है, इसको परमिशन देने वाला वो सेंसर बोर्ड है किसका, सबसे पहले सेंसर बोर्ड है किसका, हम सेकुलर की जमात से आते हैं, दोनों साथ खड़े हैं, सेकुलर की जमात से आते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम अकबर। अब बोलो, अब बोलो, रुक जाओ, मैं तो डर गया कि की बंद हो गई, अकबर नहीं बोला, बंद क्या कौन है, एक मिनट, सर्टिफिकेट दोगे, मैं अगर सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, फतवा वालों को अगर जो मेरी मेरे समुदाय से आके मुझ पर फतवा करते हैं, अगर मैं क्या कहते हैं सच्चा मुसलमान नहीं हूँ तो मैं कट्टर मुसलमान भी नहीं हूँ। लीजिए नारे हजाय महाकाल, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हम लोग साथ वाले लगा लेते हैं। हर चीजों का महत्व होता है, हर आदमी को विरोध करने का अधिकार होता है, अधिकार उनको मिला है, वो अपना अधिकार का पालन करे। हम मूवी भी देखेंगे, अन्ना मना करते हैं ना देखने के लिए मजबूर कर, कौन हम सबके साथ, मोदी जी को मिल चुका है, उन्हें करने दो ना, हमें बहुत है, हम तो बहुत खुश हैं कि मुझे ऐसे मोरबी आपने सवाल किया भाई, सुनो भाई के इसमें रुक जाओ, मोरबी पुल में मुझे दुख है, पांच बार कपड़ा बदला गया था, खो दिया, क्या दिखाया, अरे आवाज बैठ गई मोदी मोदी करते हुए, अब तो शर्म कर लो, समझे आप, अरे वाह, देश में वो एक भाई देखो एक हीरो है, वो हमारे देश का मान सम्मान कहीं भी जाता है, मान सम्मान की तरह दिखा जाता है, वो हो अक्षय कुमार, वो एक प्रसिद्धि पा चुके हैं, एक्टर है, चुनाव भी लड़ते हैं तो जीत भी जाते हैं, उनके कई फैन फॉलोइंग है, हमारे भी कुछ लोग हमें भी जानते हैं, उस तरह उनको बहुत लोग जानते हैं, और कई देखिए बादशाह वाली मूवी भी देखी है, पैदा होते थे नसीरी बन गए, शाहरुख खान इस देश का है ना, शाहरुख खान इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स पेयर की गिनती में भी आता है, ये ध्यान रखे भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात ये है कि हम बिरयानी खाने के लिए शाहरुख खान को पाकिस्तान लेके नहीं जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, आइए माँ जी कैसी हैं, लीजिए साल ले लीजिए, अरे भैया कबना बनाना मुश्किल है क्या, चुनाव जब कोई भी आगल पागल बौरा रिंकिया के पापा चुनाव लड़ सकता है तो पिक्चर भी तो कोई बना सकता है, रिंकिया के पापा चक दे इंडिया पिक्चर बनाई थी, चक दे इंडिया मूवी बनाई थी, वो किस राज्य में बनाई थी ये बताइए, इसीलिए उसका बायकॉट नहीं हुआ, और ऐसे पिक्चरों पे जनता का भ्रमित करना उस सरकार में नहीं हुआ, मैं आपको 10 मिनट ठीक है, उस सरकार में नहीं हुआ कि पिक्चरों के नाम पे और कार्टूनों के नाम पे और क्या कहते हैं किसी शब्दावली के नाम पर जनता को भटकाने का काम किया गया हो। सवाल आपको लेना है, मैं गुजरात को लेकर एक घटना, मैं गुजरात के लिए घटना बताऊंगा आपको। गुजरात में जब एक गांव में गया तो वहां पे लगातार मैं एक घर गया, दूसरा घर गया, तीसरा घर गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे विकास गायब नजर आया, विकास को चिल्लाया ओ विकास, सिलेंडर की बात ही नहीं है, विकास को तो उत्तर प्रदेश में पंडित जी एनकाउंटर कर तो दिया था, नहीं वो ही विकास को कर दिया था इन्होंने, वो अलग विकास था, उतना विकास जो हमने मोरबी में देखा, मोरबी में ये चीज देखी गई, प्रधानमंत्री जी के राज में और उनके गृह क्षेत्र में ये चीज देखी गई, आज इस देश की जनता और गुजरात की जनता असमंजस में है कि 150 लोगों की मौत हो जाती है और उसी जगह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पूर्ण मोहब्बत से आती है, और भोजपुरी में तो ऐसा ही है, लेन बा देन बा पता नहीं कौन कौन कर बा, अगर वो कपड़े आ जाए बेशर्मो क्या क्या किया तो तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे दलालो, बेशर्मी ना करे ये सब कर दो, ये सब घटनाएं ना लाए हमारे सामने, खूनी खोलेगा, हम तो सब चीज का बाइकआउट कर रहे हैं, बंद कर दो बाबा जी, जब बाबा जी यूपी में बैठा के दारू पिलवा रहे हैं दारू नहीं बंद कर पा रहे हैं, अब क्या मिला क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ हुआ, जो बाबा जी से पूछे जो चलवा रहा हो क्या दिखवा रहे हैं, रवि किशन ने कहा बच्चे पैदा होने में कांग्रेस की गलती है, बताओ उसके बच्चे पैदा होने में कांग्रेस की गलती है, जब नसबंदी लाई गई थी तो सबसे ज्यादा दर्द पेट में भाजपा वालों को हो रहा था, पर्सनल इंटरव्यू करूंगा और इनका जो घटना हाथ दोहराया गया है
ये हाथरस दोहराया गया। आप पत्रकार महोदय, एक सवाल किया था आपने कि इंदौर में क्या कहते हैं ये घटना कही गई और भगवा को गलत कहा गया, किसने कहा? नरोत्तम मिश्रा जी ने। वो नरोत्तम मिश्रा जी किस पार्टी से आते हैं और कौन क्या कहते हैं भद्दे शब्द जो लोग? अच्छी बात है, देश में लोकतंत्र है, करने दीजिए, हम खुश हैं। ऑस्कर के लिए नाम भी दिया गया था, ऑस्कर का नाम भी दिया गया था, और किस किस अपमानित भाषा में उसका प्रमोशन भी किया? नहीं नहीं नहीं, एक्ट्रेस की ड्रेस देखिए नेता तय करे संविधान के दायरे पर रह के, और कोर्ट तय करे, कोर्ट से सेंसर बोर्ड में कुछ कानून लागू करे, उस कानून के हिसाब से पिक्चर बने, वो नियम सब पे लागू हो, मुस्लिम एक्टर हो, हिंदू एक्टर हो। बात देश संविधान चलाने की बात करिए, हिंदू मुसलमान से नहीं। अगर भाजपा टिकट देगी, हॉल बुक कराएगी तो चले जाएंगे।